हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से। आज मैं अरिजीत सिंह का आउटलाइन ट्यूटोरियल लेते आया हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री हैंड बताऊँगा। आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फ्री हैंड अच्छे बनाते हैं, तो मैं लेते आ गया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको रेफरेंस फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद आप जिस A4 साइज पेपर ले लें या कोई भी पेपर ले सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है आपको जितना बड़ा फेस है उसके अनुसार सर्किल बना लेनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन अपने रेफरेंस फ़ोटो के अनुसार ले लेनी है। आपको देखना है कि उसका आई का एंगल किधर से है। अगर सीधी है तो सीधी लेने, तो थोड़ा टिल्टेड है तो टिल्टेड ही दे, और फिर नोज का लाइन देख ले फ्रेंड्स, जैसा मैं दे रहा हूँ। आप जैसा देख रहे हो थोड़ा सा टिल्टेड लाइन दिया हूँ, कुछ इसी तरह से आपको देना है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट आई जो है आपको ऑब्जर्वेशन से बना लेनी है, और दूसरी आई बनाने के लिए आप मेजरमेंट पेंसिल मेजरमेंट का यूज करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसको यूज ज़रूर करें। पहले आपको देख लेना है कि नोज के बीच में कितना डिस्टेंस है, और पेंसिल से माप लेना है। उसके बाद फर्स्ट आई जो बनाए हैं उससे माप लेना है, और फिर आपको करना है जैसा तो मैं देख लिया, नोज नाप माप लिया, फिर अपने रेफरेंस फ़ोटो में माप लिया, फिर फ़ोटो में उतना नापा, फिर जितना दूर फिर नोज दिया हूँ वहाँ से दे दिया हूँ। इस तरह होगा कि फ्रेंड्स आपको सही से मेजरमेंट आ जाएगा, आपका प्रोपोर्शन सही से हो जाएगा। जैसा देखते हैं फ्रेंड्स मैं माप रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार से आपको भी माप लेना है। अगर ऑब्जर्वेशन से फर्ज पाते हैं तो सही है, नहीं तो पेंसिल मेजरमेंट का यूज कीजिए। जैसे फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा दिया हूँ क्योंकि छोटा वीडियो बन पाए। मैं नोज बना रहा हूँ, अपने रेफरेंस तो पास में रखे, और कुछ अब जैसे होठ कितना दूर पे होठ है, तो मैं होठ मेजरमेंट कर लिया हूँ, फिर आई इसी रेफरेंस फ़ोटो में ही माप लिया हूँ आई कितना दूर है फिर से, और मैं जो बना रहा हूँ स्टेज में अपना वहाँ पे माप लिया हूँ, फिर वहाँ से नोज से लेते कितना दूर मेरा है तो वहाँ से माप लिया हूँ। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको अगर दो स्टेज बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब होठ कितना हो रहा है मैं माप लिया, अब रेफरेंस फोटो में ना मापूंगा उसी के अनुसार। देखते हैं माप लिया आई से आई से बीच में, उसी तरह स्टेज में माप लेना है आई से लेते, और जितना बड़ा है उतना है। इसमें से आप फ्रेंड्स से आप फोटो जूम भी कर सकते हैं या नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने हिसाब से जूम कर ले और फिर मापें। अगर आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स तो कमेंट करें और बताएं कि मुझे हाँ मुझे समझ में आ रही है, नहीं तो अगर नहीं आ रही है तो और भी इजी भाषा में मैं समझाने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो हाँ फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रही है। ये धीरे धीरे फ्रेंड्स आपका इस आउटलाइन परफेक्ट होने लगेगा। आप फर्स्ट टाइम सोचिएगा कि हो जाए, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है, इसके बाद आप तो वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर आप सही हो तो इसे और भी इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसे आपको समझ में आ रही है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। पहले आपको आउटलाइन बना लेनी है, और अपना रेफरेंस फ़ोटो सामने रखिएगा फ्रेंड्स, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए मैं पेंसिल मेजरमेंट का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा गलत भी हो जाए तो उसको आप मिटा से इरेज कर सकते हैं।
और फिर वहाँ से डेथ होते हैं। इतना दूर पे अब बिगनर्स हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा से आप पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कीजिए, आपसे फ्री हैंड अभी नहीं बन पाएगा, आपको प्रोपोर्शन का नॉलेज नहीं है अभी, तो पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। या तो आप ग्रिड मेथड अगर बनाते हो तो ग्रिड का यूज सर से बना सकते हैं, और आप फ्री हैंड बनाना चाहते हो तो आप पेंसिल मेजरमेंट सर ज़रूर यूज करें, इससे आपको आसानी होगी, प्रोपोर्शन का पता चलेगा। तो मेरा कुछ आउटलाइन कंप्लीट हो रहा हो गया है, मैं इसका शेडिंग ट्यूटोरियल नहीं लाऊंगा, मैं इसे सोच रहा हूँ वाटर कलर से पेंट करने का, तो बने रहिए मेरे साथ। और फ्रेंड्स अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो जैसे जल्दी फॉलो कर लीजिए, 700 फॉलोअर्स होने ही वाले हैं। सो ये है पूरा कंप्लीट आउटलाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।